इस कलियुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम इस 9वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में जब प्रभुपाद जी ने इस पे जब एक बार कथा की थी, तो उन्होंने उस कथा की शुरुआत ही इस शब्द से की थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह उनका वाक्य था। और वो बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट किसके या ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुत गोस्वामी जी ने को उस कथास्थल पर इसलिए चुना गया था क्योंकि उन्होंने यह जो ज्ञान है वह पूर्णतः प्राप्त किया था व्यासदेव और अन्य मुनियों से। और वह इस प्रकार से पूर्ण था क्योंकि उन्होंने जब ज्ञान का ग्रहण किया तो वे पूर्णतः समर्पित थे। और सीरियस शब्द प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया था कि वी वॉज सबमिसिव और सीरियस। वे पूर्णतः समर्पित थे और वे स्थिर थे कि मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और यही सबसे पहली योग्यता है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। और इस श्लोक में फिर वो बोलते हैं कि अब इस बारे में मुनि जो वहां पे ऋषि लोग जो वहां पर नैमिषारण्य में बैठे हुए थे, उन्होंने इन शब्दों का इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से पूछा कि भाई आपने सब कुछ समझ लिया है, अब आप हमें समझाइए। तो इस श्लोक के कुछ जो शब्द है वे काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो वो बोलते हैं कि भाई अंजसा, जो हमारा श्लोक आया था तत्र तत्र अंजसा, तो अंजसा शब्द का मतलब होता है आसानी से करके बताइए। तो आज जब हम यह चर्चा करने वाले हैं तो हम इन्हीं शब्दों के बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि भले ही वो आज उनके आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या बोला है, आयुष्मन तत्तत्रत्र अंजसा आयुष्मन। और फिर वे बोलते हैं कि भवतः आप, भवतः का मतलब होता है आप हमें समझाइए। कैसे समझाना है, तो विनिश्चितम, आपने कंफर्म किया है, आपने ये जो जान लिया है, जो आपने अपनी समझ से समझ लिया है, एसर्टन किया है, शब्द बोलते हैं प्रभुपाद जी उनके लेक्चर में है। और किस लिए समझाना है, तो पुंसा सामान्य जनता के लिए आप समझाइए। तो कैसे, आसान तरीके से समझाइए, पुंसा सामान्य जनता के लिए। और किस चीज के बारे में समझाना है, तो एकांतता श्रेय, एकांतता मतलब जो सच है, संपूर्ण सच है, और श्रेय जो सबसे अच्छा है, अल्टीमेट। तो हम ये श्रेय शब्द के बारे में भी आज जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे श्रेय क्यों बोला है, एकांतता क्यों बोला है, और उन्होंने यह अंजसा क्यों बताया है। और आगे वो बोलते हैं
कि संशितुम अर्हसि, और केवल आप ही डिजर्व करते हो यह हमें समझाने के लिए। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि जो है वो सबसे पहले तो इनको बताते हैं कि भाई आप हमें ये सब समझाइए। तो यहाँ पर अभी प्रश्न आता है कि भाई इन्होंने जो उनसे छोटे हैं फिर भी उन्हें आशीर्वाद क्यों दिया, तो उसके पीछे कारण यह है कि वह सही में समर्पित है और इसलिए उन्होंने बताया। और इसके बाद जब आगे के श्लोक है जिनकी चर्चा अभी आगे होने वाली है, तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पर उन्होंने अंजसा क्यों बोला। अंजसा इसलिए बोला कि भाई आसानी से क्यों समझाना है, तो आसानी समझाने के लिए क्या जरूरत थी यह हम आगे जो 10वां 11वां श्लोक आएगा उसमें हम देखने वाले हैं। मैं उसमें सिर्फ इतना बताऊंगा आज की चर्चा के हिसाब से कि भाई क्योंकि ये जो आने वाला कलियुग है उसमें काफी समस्याएं होने वाली है, और उसमें जनता जो है वह सामान्य जो जन है वे आज के जैसे योग नहीं कर पाएंगे, उनमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वे तप कर सके, तपस्या कर सके। और इसीलिए आसानी से हमें समझाइए कि सबसे अच्छा सरल तरीका कौन सा है, तो ऐसे वो विनती करते हैं। और ये विनती इसलिए वो करना पड़ रहा है क्योंकि योगा आज की युग में हम नहीं कर सकते। योग का अर्थ क्या होता है, तो योग का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि योगा का शुरुआत ही होता है योग इंद्रिय संयम, मतलब इंद्रियों को वश में करने के लिए योगा किया जाता है। किंतु कलि युग में यह समस्या है कि यह आसानी से नहीं हो सकता, तो इसीलिए अष्टांग योगा सिस्टम जो हम पढ़ते हैं भगवद गीता में हमने देखा है, तो वह एक एक योगा हमें बताया गया है, लेकिन सबसे जो श्रेष्ठ योगा है वह है भक्ति योगा। और वही अभी है ऋषि मुनि उनको पूछ रहे कि भाई आपने जो समझा है कि जो पूर्ण सच क्या है वह हमें बताइए, और वह भी आसानी से हमें बताइए। और यह इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इंद्रियों को कलियुग में आसानी से आप काबू में नहीं रख सकते। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेस्ट ऑफ द लर्नेड मैन आल्सो फॉल विक्टिम टू द सेंसेस, मतलब आप ज्ञानी से ज्ञानी भी हो तो भी आप इंद्रियों के वश में आ सकते हो, और उसका कारण यह है कि यह जो भौतिक जगत है इसमें हम त्रिगुणों से परे नहीं हो पाए, तो हम कंडीशन लाइफ में जीते हैं इन तीन गुणों की वजह से। कौन से तीन गुण है कोई बता पाएगा जो हमने पढ़े हैं पहले भी? सद्गुण, रजगुण, तमोगुण। रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो ये तीन गुणों की वजह से हम इस भौतिकता में फंस जाते हैं, और ये कैसे, मात्र स्पर्शास्तु, सिर्फ स्पर्श से भी हम जैसे ही हम इनके में आ जाते हैं इन गुणों के हम अटक गए। और इसीलिए हमने, यदि आपने भगवद गीता में प्रभु जी का लेक्चर सुना होगा तो उन्होंने क्या बोला कि ये बेड़िया है, इन बेड़ियों से हमें पकड़ा गया है। अब इस बेड़ियों से यदि हमें पकड़ा गया है, जकड़ के रखा गया है, और वो भी केवल स्पर्श से भी हम इसमें फंस जाते हैं, तो क्या हम आसानी से इनके बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। और उसका सबसे अच्छा ये है कि हम इतने फंस जाते हैं कि हमें कोई चीज आसानी से सुख भी देती है और दुख भी देती है, लेकिन इस भौतिक दुनिया में सब कुछ असल में देखा जाए तो केवल दुख ही होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वत। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं, उन्होंने ये लेक्चर लंदन में लिया था, कि भाई आप लंदन में हो, यहाँ पर आपको कभी ठंडी महसूस करनी होती है, कभी गर्मी महसूस होती है, और इन सब का महसूस आपको क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर पर इसका फर्क पड़ता है, इफेक्ट आता है। लेकिन यदि आप देखा जाए तो वही गर्मी वही वाह आपको सुख भी देती है और दुख भी देती है। कैसे, तो यदि वो आपको मतलब विंटर सीजन में मिलती है, हिम के वर्ष जहाँ पर हिम वर्षा हो रही है वहाँ पर यदि आपको कहीं से गर्माहट मिल जाती है तो आपको गर्माहट काफ़ी अच्छी पसंद आती है, लेकिन यदि वही गर्माहट आपको गर्मी के मौसम में मिले तो आपको वही गर्माहट क्या होती है, अरे कहाँ से ये गर्मी आ रही है। जैसे अभी हम लोग पुणे में बोलते हैं ये कहाँ से कैसा बदल क्यों हो रहा है कि इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है, लेकिन यही आप जब गर्मी आप देखोगे कि यदि ये हमारे पास ये दिसंबर महीने में आएगी तो हमें लगेगा अरे चलो अच्छा है, थोड़ी तो भी गर्मी आ रही है, तो चीज वही होती है। लेकिन
हमारी उसके प्रति क्या भावना है उसके हिसाब से वो हमें या तो सुख देती है या दुख देती है। और इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था भगवद गीता में कि आप ये जो बदलाव है इन बदलाव के परे जाइए। अगम अपेयिनो नित्यो, वो आते हैं जाते हैं, दे कम एंड गो, इसलिए इनके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। यदि आपकी लाइफ में आज कुछ दुर्घटना भी घट रही है, कहीं से आपको दुख भी हो रहा है, तो भी उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख आएगा। यह जो चक्र है यह चलता रहेगा, लेकिन यह चक्र हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस चक्र के परे हम जाए, हमारा उद्देश्य है कि हम कृष्ण भावना बुद्ध बने। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हम हमारी जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना बुद्ध है, यह हम कैसे जागृत करें। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जाता है तत्र अंज आयुष्मान भवता यत विनिश्चित, कि भय इसीलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि आपने यह सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप अभी हमें आसानी से बताइए कि हम क्या तरीका अपनाएं कि जिससे हमें कृष्ण भावनामृत में वृद्धि हो। और देखा जाए तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। और यहां पर अभी वो बोलते हैं कि हमें बताइए श्रेयस, श्रेयस व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल। तो जो फायदे होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। यहाँ पर इन्होंने प्रेयस के बारे में नहीं पूछा कि भाई कुछ ऐसा बताइए कि मैं अभी करूँ और मुझे कल उसका फायदा हो जाए। कई बार बोलते हैं ना कि भाई मैं लॉटरी का टिकट आज लेता हूँ, कल मुझे लॉटरी लग जाए, तो उतना जल्दी हमें रिजल्ट होना चाहिए, तो वो होता है प्रेयस। लेकिन क्या यहाँ ऋषियों ने उनसे प्रेयस की बात की? नहीं, उन्होंने श्रेयस की बात की। तो इसमें प्रेयस और श्रेयस में फर्क क्या है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रेयस मतलब आपको चाहिए कि तुरंत जो भी हो फायदा हो जाए, यू वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट बेनिफिट्स होने चाहिए। और वही हमारी समस्या है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जो ये तीन गुणों में फंसे हैं उसमें हमें वही चाहिए होता है कि भाई जो भी है वो तुरंत मिले, और वो तुरंत मिलाने की कोशिश में हम भूल जाते हैं कि उसके बाद में उसके प्रति दुख भी आता है। इस पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे। हम सब लोगों ने कभी, हम बच्चे थे, हमारे आजू बाजू में बच्चे होंगे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है कि हम खेलें, हम इधर उधर घूमने जाएं, हम खाना खाएं, चॉकलेट्स खाएं, लॉलीपॉप्स खाएं या कैंडी फ्लॉस खाएं, तो क्योंकि हमें उससे आनंद प्राप्त होता है। लेकिन यह क्षणिक होता है। आइडियली बच्चों के लिए जरूरी क्या होता है कि वो पढ़ाई करें, अच्छी पाठशाला में जाए और पढ़ाई कर अपना एक अच्छा सा भवितव्य बनाए, करियर बनाए, यह होता है उनके लिए श्रेयस। तो जो माता पिता होते हैं, पालक होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चों के लिए जरूरी क्या है, तो वो क्या वो उनके लिए श्रेयस के बारे में सोचते हैं या प्रेयस के बारे में सोचते हैं? श्रेयस के बारे में। और इसीलिए जो अल्टीमेटली आपके फायदे में आने वाला है, जो अंत में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस चीज के बारे में सोचना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक चीज और हम देखते हैं, जैसे ऋषियों ने यह प्रश्न जो है यह इनसे ही क्यों किया, तो उसके पीछे मैं एक उदाहरण जो मैंने सुना था वो पूछता हूँ। यदि आज बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको जब पाठशाला में डालना होता है, स्कूल में डालना होता है, तो क्या हम कोई भी आजू बाजू के स्कूल में डालने के बारे में सोचते हैं या किसी अलग स्कूल में डालने के बारे में सोचते हैं? हम जानने की कोशिश करते हैं जो सबसे अच्छा है, राइट, कि भाई मेरे बच्चों को जो सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा बढ़िया है, वहां पर एडमिशन, और वहां पर एडमिशन नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? दुखी होते हैं, और फिर चलो ये नहीं तो दूसरा कुछ, दूसरा नहीं तो तीसरा कुछ। पर हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान दे सकता है वहां से हमें लिया जाए। इसलिए ये जो प्रश्न है ऋषियों ने किनसे पूछा? सुखदेव गोस्वामी जी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सबसे ज्यादा समझ चुके हैं, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इनसे जब हमें यह ज्ञान अभी प्राप्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आसान तरीका कौन सा है अल्टीमेट उद्देश्य का, एब्सोल्यूट ट्रूथ का,
जो आसान तरीका है, यह जो प्रश्न है यह उन्होंने उनसे पूछा, ताकि उन्हें उन पर विश्वास था कि यही वो सबसे अच्छे हैं जो हमें यह ज्ञान दे सकते हैं। और यहां पर हमें एक और चीज पता चलती है कि यह जिज्ञासा जो है, प्रश्न जो पूछा जाता है, यह बहुत जरूरी है। कि यह जिज्ञासा जो है, क्या हमें यह बाकी योनियों में मिलती है? यह केवल हमें मनुष्य योनि में मिलती है। और इसीलिए इस मनुष्य योनि का यह उद्देश्य है, यह परम उद्देश्य है, सिर्फ उद्देश्य नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं अल्टीमेट उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम ये इंक्वायरी करें, इंक्विजिटिव बने, हम ये जिज्ञासा करें कि भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उसके ऊपर फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कृष्ण की प्राप्ति। और किस लिए? ताकि हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है उससे बाहर आए। तो यह हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यह प्रश्न हमें करना चाहिए यदि हमने मनुष्य जन्म लिया है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे यह भी हमें बताते हैं कि यदि हमने यह प्रश्न नहीं किया तो हम कर्म में फंसे जाएंगे। और आज की दुनिया में हम वही देखते हैं कि हम कर्म में जो ये जो शारीर की जो रिक्वायरमेंट्स है, शरीर की जो चीजें हैं जो हमें चाहिए शरीर के लिए, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं और हम कर्मों में फंस जाते हैं। और फिर वो कर्मों में फंसने की वजह से क्या होता है? तत्र देहांतर प्राप्ति। कि फिर जब मृत्यु आते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं क्या? नहीं, हम हमारे कर्मों के अनुरूप हमें फिर से कोई ना कोई नया शरीर प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कल प्रभु जी ने, परसों प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था कि यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमें फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा या 84 लाख योनियों में से घूमना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्लियरली बताते हैं कि आपका कर्म जो हुआ होगा उसका जो लिखित है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो प्रकृति कर रही है। और प्रकृति ने वो कर्म का जो भी है डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसके बेसिस पर, उसके अनुसार आपको नया शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए यह नहीं है निश्चित कि हमें फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम अभी जो हमें मिला है शरीर, उसी में यह जिज्ञासा कर ले और हमारे इस शरीर के द्वारा हम फिर से इस चक्र में ना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करणम गुणो संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। तो आपके करणम गुण संगो अस्य, क्योंकि हमने किसी एक प्रकार के गुण में संग किया है, उसकी वजह से कारणम हुआ है, उसकी वजह से हमारे कर्म हुआ है, और उसकी वजह से फिर हमारी समस्याएं होने वाली है, फिर से हम कर्म बंधन में अटकने वाले हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इस समस्या पे हम बाहर कैसे आए? तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम कर्म के साथ संग करने के बजाय हम संग करें भक्ति से और भक्तों से। भक्तों से क्यों? क्योंकि वह परे है, सतोगुण से भी आगे है, शुद्ध सतोगुण में पहुंच चुके होते हैं भक्त। इसीलिए जब हम उनका संग करेंगे और भक्ति करेंगे और भक्ति की सेवा करेंगे, डिवोशनल सर्विस में हम आगे आएंगे, तो अपने आप हम इन तीन गुणों के परे शुद्ध सत्वगुण में हम जाएंगे, ट्रांसेंडेंस प्राप्त करेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, हे पार्थ, इन तीनों गुणों के परे चले जाओ। तो उसका तरीका यही है कि हम भक्तों का संग करें और भक्ति करें, भक्ति में अनेकानेक सेवाएं करते रहे। तो फिर इसीलिए फिर यहां पर क्या पूछा गया है इन्होंने, फिर से हम हमारे श्लोक पर आते हैं कि जब हम भक्ति की सेवा करेंगे, शुद्ध सत्व गुणों में प्राप्त करेंगे, तो ही वह हमारा प्रेयस होगा, अश्रेयस होगा। तो हमें अभी क्या चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें हमारे श्रेयस के बारे में सोचना है। और यही हमें इस श्लोक के द्वारा बताया जाता है। हमें हमारा यह जो मनुष्य जन्म है,
इसे व्यर्थ नहीं गवाना है, यदि हम इसे व्यर्थ गवा देंगे तो हम फिर से अटक जाएंगे। और यहाँ पर ऋषि मुनि यही बार बार पूछ रहे हैं इसीलिए कि भय हमें आप श्रेयस के बारे में बताइए, आप हमें एकांततः श्रेयस के बारे में बताइए, जो एब्सोल्यूट अल्टीमेट गुड है उसके बारे में बताइए, और वह इस तरीके से बताइए कि जो आपने निश्चित किया हुआ है, विनिश्चितम और आसान करके बताइए अंजसा। तो इसके ऊपर फिर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि यह आसान तरीका है कृष्ण भक्ति करना, और उसके लिए कलियुग में सबसे आसान तरीका है हरेर नाम। और इसीलिए बोला जाता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ युगे नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम तीन बार बोला है। देखिए एक बार बोला क्या श्लोक में, नहीं तीन बार बोला है कि केवल हरि का नाम लेना ही तरीका है, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, फिर से तीन बार बोल दिया। तो इतना उन्होंने स्ट्रेस दिया है हमारे शास्त्रों में कि कलियुग में हमें केवल हरि का नाम ही लेना है, और वही हमारे लिए आसान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। और उन्होंने स्वयं भक्त का कैसे होना चाहिए यह भक्त का भाव हमें प्रकर्षित किया हुआ है, और हमारा कितना आसान तरीका कर दिया उन्होंने। जैसे हमने परसों जब हमने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना तो उसमें प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया, क्या आदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु जी ने, जारे देखो तारे कहो यही करना है हमें, और यही सबसे आसान तरीका। और उसी के लिए प्रभुपाद जी जिन्हें भी भगवान ने शक्ति दी और उन्होंने वो तरीका और आसान कर दिया हमारे लिए। कैसे आसान किया, एबीसीडी, एबीसीडी करना आसान है। ए का मतलब क्या है, एसोसिएशन, संग लेना। तो आज हम संग ले रहे हैं, जो लोग यहाँ मंदिर में आए हैं, जो मंदिर में आए हैं वो भी संग ले रहे हैं, जो जूम पर आप सब लोग उपस्थित है वो भी संग ले रहे हैं। तो संग इज अवर पहला ए। फिर बी आता है बुक्स, मतलब शास्त्रों का अध्ययन। प्रभुपाद जी ने इतनी छोटी छोटी किताबें लिख के दी है ताकि हम छोटी किताबों से पढ़ना शुरू करें, और फिर जब हमें उसमें रुचि प्राप्त हो तो हम पूरे शास्त्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्र का अध्ययन ही कर रहे हैं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय का नौवां श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, वी आर डूइंग बुक्स रीडिंग, और यही बुक स्टडी हमारी शाम को भी हो रही है, क्योंकि वहां पर प्रभुपाद शाम को प्रभु जी 7:30 बजे गीता का अध्ययन करा रहे हैं। तो आसान है, ए बी सी इज चैंटिंग, हमें जप करना है। और इसीलिए आप देखते होंगे कई भक्त सवेरे सवेरे आते हैं यहाँ बैठ के चैंटिंग करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जो लोग यहाँ बैठ के नहीं चैंटिंग कर पाते वो ऑनलाइन चैंटिंग कर रहे हैं। कई लोग जो काम में बिजी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप सिर्फ सुनना शुरू करो। तो प्रभुपाद जी का मंत्र का बॉक्स आता है वो घर में लगा देते हैं, सुनते रहते हैं और अपने आप फिर वो शुरुआत हो जाती है। क्यों होती है, चेतो दर्पण मार्जन, क्योंकि आपके हृदय पर ये जो मलिनता छाई हुई है प्रकृति की मटेरियल गुणों की, वो अपने आप चैंटिंग से धीरे धीरे वो मैल निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए चैंटिंग का इम्पोर्टेंस है। और फिर आता है आपका डी, डी इज डाइट, कृष्ण प्रसाद लो। मुश्किल है, जो भी आप घर में बनाते हो पहले आप भगवान को अर्पित कर दो, और भगवान ने अर्पित कर लिया, भगवान ने खा लिया, उसके बाद आप उसके प्रसाद बोल के ग्रहण कर लो। तो जो खाना है वही खाना है, सिर्फ बनाने के खाने के पहले वो भगवान को दे दीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, फिर वो आप खा लीजिए। ये भी सी डी में से कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। और इस हर कुछ करने की वजह से, ये छोटी छोटी एबीसीडी करने की वजह से हम धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रगति होते रहती है, और हमारा जो अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट गोल है, वो प्राप्त होगा। तो अंजसा आसान तरीका, जो सुखदेव गोस्वामी जी भी आगे पूरे भगवतम में 12वें अध्याय तक जाएंगे, वो 12वें स्कंद तक जाएंगे, तो धीरे धीरे एक एक लेवल करके ये इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जो हमें प्रभुपाद जी ने काफी आसान तरीके से बताया है। और सुध गोस्वामी जी भी हमें यही बता रहे हैं, सुध गोस्वामी प्रभु जी भी लेक्चर्स में वही बताते हैं, सनातन धर्म प्रभु जी भी हमें लेक्चर्स में वही बता रहे हैं, हर कोई यही चीज बता रहा है कि हमें
ABCD करना है और हमारे जीवन का उद्देश्य सफल करना है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्णा। आप में से किसी की कुछ जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। एवरीवन हरे कृष्णा प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हमारे यही सेशन शाम को 7:30 बजे भी होता है के बारे में, तो आप सबसे हरे कृष्णा प्रभु जी भी ज्वाइन किया करें और हो सके तो जब भी हो सके यहाँ आ पाए। ये अलंकार प्रभु जी बोलिए ना प्लीज। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू। स्पीकर नहीं आ रहा है। एक मिनट प्रभु जी, सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ अलंकार प्रभु जी, अभी आप बोल ट्राई करेंगे बोल। हाँ प्रणाम प्रभु जी। नहीं आ रहा। प्रणाम प्रभु जी। ये अलंकार प्रभु जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ यस प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। मुझे आपसे जानना है कि आपने बताया कि 3 गुणों से मतलब हम बाहर निकल सकते हैं भक्ति के माध्यम से, क्योंकि पर हम मानव शरीर में हैं तो हर बार जैसे शुद्ध तत्व सत्वा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी हम कुछ काम में हैं, कभी रजस में आ जाते हैं, कभी कुछ डेडलाइन होता है कुछ, तो उस संदर्भ में बताइए कि भक्ति कैसे हमको निकाल सकती है ये 3 गुणों से बाहर। कृष्ण प्रभु जी, तो प्रभु जी का प्रश्न यह है कि शुद्ध सत्वगुण में हम हमेशा नहीं रह सकते, कंटिन्यूसली 24 घंटे हम नहीं रह सकते, तो भक्ति हमें इसमें कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है। तो प्रभु जी यह एक जर्नी होती है, जैसे आपको यहाँ से यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आप डायरेक्टली दिल्ली पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, आप पहले किसी बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, इसका निर्णय लेंगे, उसके बाद में आप उसका प्रॉपर टिकट खरीदते हैं, फिर आप उस बस में या उस ट्रेन में बैठते हैं, और फिर भी वो बैठ के तुरंत वहाँ पहुँचाती है क्या? नहीं। तो वो धीरे धीरे उस मार्गक्रमण पर हम मार्गक्रमण करते हैं और वो धीरे धीरे एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा गांव, चौथा गांव, ऐसा कर फिर आपको डायरेक्टली दिल्ली पहुंचाती है। उसी प्रकार शुद्ध सत्वगुण में जाना तुरंत नहीं होता है। हम जब हमारी भक्ति शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हम कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, फिर मध्यम अधिकारी होते हैं, फिर उत्तम अधिकारी होते हैं। जैसे हमने कुछ पिछले 2 हफ्ते पहले जब हमने ऑनलाइन सूत्र लिया था जिसमें हम प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे थे, तो उसमें प्रहलाद महाराज को हम बोलते हैं कि वो महाभागवत है, राइट? तो महाभागवत जो है वो डायरेक्टली नहीं हुए हैं। तो हम भी शुद्ध सत्वगुण में डायरेक्टली नहीं जाते हैं, हम धीरे धीरे भक्ति का प्रयास करते हैं, तब भक्ति हमें जो है शुद्धता की तरफ लेके जाती है। जैसे हम जब हम ये बोलते हैं सवेरे सवेरे हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो उसमें हमारा ये सबसे पहला शब्द क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जन। कि हमारा ये जो हृदय है वो आज इन 3 गुणों के प्रभाव की वजह से काफी मैला हो चुका है, तो हे भगवान हमारे इस हृदय का मार्जन करो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। और यह जो भौतिकता की आग लगी हुई है, दावाग्नि है, उसमें से हमें बाहर निकालिए। हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम तुरंत बाहर नहीं आते हैं, जब हम ये ABCD का पालन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो गुण निर्मित होते हैं, और जिस डेडलाइन की वजह से आज समस्याएं आज निर्माण हो जाती है, स्ट्रेस में आप आ जाते हो कि भाई मुझे ये करना है, ये करना ही पड़ेगा वरना मेरा नौकरी जाएगा या ऐसा होगा वैसा होगा, तो यह जो अनिश्चितता निर्माण होती है, इस अनिश्चितता के परे हम कैसे जाए, यह अपने आप हमें आ जाते हैं गुण भक्ति के द्वारा। हम इस स्ट्रेस से दूर कैसे हो जाए, यह अपने आप क्रिएट हो जाता है, और वह शक्ति हमें कौन देता है? तो कृष्ण। जैसे परसों हमने सुना, प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि
कि कृष्ण और कृष्ण नाम अलग नहीं है, कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में इस कलयुग में पधारे हुए हैं। तो यदि आपने अब कृष्ण को हासिल कर लिया, पकड़ लिया, तो क्या आपको कोई समस्या रह सकती है? नहीं, तो आप कृष्ण नाम को समर्पित हो जाइए और अपने आप उस पर आप छोड़ दीजिए, वह आपको हर समस्याओं से दूर ले जाएगा। हो सकता है जहां पर प्रैक्टिकली यदि मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि आज आपको समस्या है जॉब की, जॉब में आपको बॉस बोल रहा है ये डेडलाइन है, ये तुझे करना ही करना है, तो इसलिए आप भक्ति नहीं कर सकते, कोई समस्या नहीं है ये। एक्चुअली देखा जाए तो आप अपना नाम स्मरण चालू रखिए, हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उस जॉब के बजाय कोई और अलग जॉब मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए जिससे आपकी भक्ति बढ़े और साथ में आपका जो उदर निर्वाह है वह भी शुरू है। इसीलिए आपको सिर्फ समर्पित होना है, जैसे हमने यहां पर देखा, क्योंकि उन्होंने पूर्ण समर्पित भाव से ज्ञान ग्रहण किया था, इसलिए ऋषि मुनिगण उनसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि आसान तरीका जो आपने समझ लिया है वो हमें समझाइए। यही श्लोक था जो हमने आज लिया, कि उन्होंने उन्हें ही क्यों प्रश्न पूछा, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था वो पूर्ण समर्पित भाव से किया था। तो यदि आप भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, भक्ति की शुरुआत कर लेंगे, ABCD भी कर लेंगे, तो आगे तो भक्ति के 64 गुण वह अपने आप में निर्माण हो जाएंगे। आज हम यह नहीं बोलते कि ओके आपको भक्ति करनी है, आप आइए और यहाँ पर DTs की सेवा कीजिए, क्या हम ये बोलते हैं तुरंत? नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप होता है। मैं भी कॉलेज में स्टूडेंट था, MBBS के कॉलेज में स्टूडेंट था, मेरे साथ भी रैगिंग हुआ, लेकिन मुझे भक्तों का संग प्राप्त हुआ क्योंकि एक सीनियर डिवोटी जो थे मेरे वो भक्त थे और आज उनकी वजह से मैं कृष्ण भावनावृत में आ पाया, वे मुझे मंदिर लेके आए और उन्होंने मुझे उन समस्याओं से बाहर कैसे जाना है वो सिखाया और शुरुआत हुई। तो आज यदि आप, मैं आपको देखता हूँ अलंकार प्रभु जी, आप डेली बिना भूले भागवतम कक्षा अटेंड करते हो जूम पर, तो ये आपके भक्ति की शुरुआत हो चुकी है और आप में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि क्या मेरी भक्ति दूर हो जाएगी, क्या मैं शुद्ध सत्वगुण में कंटिन्यू रह पाऊंगा या नहीं, तो यह भी आपकी भक्ति की प्रगति का लक्षण है कि अब आपको यह डर सता रहा है कि मेरी भक्ति कहीं रुक ना जाए, मैं शुद्ध सत्वगुण से कई बार दूसरे गुणों में चला जाता हूँ तो उससे मेरा क्या होगा। तो यह भक्ति के प्रगति का ही लक्षण है प्रभु जी। तो आपको सिर्फ अभी डटे रहना है, डरना नहीं है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमें क्या बताया कि कृष्ण ने जो बोला था वही उन्होंने बताया कि जो सीजन्स है वो आते जाते रहते हैं, तो आप उन सीजन्स के परे जाइए, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जो प्रभुपाद जी ने हमें आसान तरीके से एग्जाम्पल दिया था कि जो वॉर्म्थ है हमें वॉर्म्थ गर्मियों में परेशान करेगा और वही वॉर्म्थ हमें सर्दियों में आनंद देगा, पर सर्दियों के बाद गर्मी आएगी, गर्मियों के बाद सर्दी आएगी, समस्याओं के बाद समस्या रहित सिचुएशन आएगी, स्थिति आएगी, और समस्या रहित हो आज आप तो कल समस्याएं भी आएगी, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है, उनके परे आपको जाना है, स्थित रहना है, स्थिर रहना है, यू हैव टू रिमेन कॉन्स्टेंट। उसके ऊपर भी एक बात में श्लोक आएगा भागवत, इसी फर्स्ट चैप्टर के एंड में ही, फर्स्ट कैंटो के एंड में ही वह आता है। तो आपको सिर्फ स्थिर प्रज्ञ रहना है प्रभु जी, तो अपने आप आगे प्रगति करते रहोगे। कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी और फिर महाभागवत, यह जो आपका जर्नी है यह हमेशा शुरू रहेगा। सिर्फ डटे रहिए, डरिए मत, नीचे ऊपर होता रहता है। ठीक है प्रभु जी? हाँ, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। तो मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने जो कुछ में थोड़ा बहुत गलत सही बोलने की कोशिश की है वो आप सब लोगों ने सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।